आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट जैसे वेज मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे और घर की बनी हुई हाइजेनिक भी होती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बारीक कटा पत्ता गोभी, बारीक कटा फ्रेंच बीन, बारीक कटा शिमला मिर्च, बारीक कटा गाजर, प्याज को इस तरीके से स्क्वायर में काटा है, शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से तैयार किया है, टमाटर सॉस, सोया सॉस, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लावर जिन्हें कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है, रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च की पाउडर, लाल मिर्च की पाउडर, पानी, गाजर को मैंने इस तरीके से लंबाई में काट कर तैयार किया है, बारीक कटा प्याज, विनेगर। सबसे पहले इस मिक्सिंग बाउल में बारीक कटा पत्ता गोभी, बारीक कटा फ्रेंच बीन्स, बारीक कटा शिमला मिर्च और बारीक कटा गाजर ऐड कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां यूज कर सकते हैं। अब इनमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च की पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च की पाउडर ऐड करेंगे। बाकी बचे मसाले को बाद में यूज करेंगे। अब इनमें मैदा ऐड कर लेंगे, साथ ही कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप केवल मैदा का भी यूज कर सकते हैं। बाकी बचे हुए को घोल बनाने के लिए रख लेंगे। अब इनमें सोया सॉस ऐड कर लेंगे, टमाटर सॉस भी ऐड कर लेंगे, इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ चम्मच का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने हाथों की सहायता से भी इसे मिला सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। आप जिन भी सब्जियों का यूज करें उन सब्जियों को कट करने के बाद इनके पानी को निचोड़कर बहुत अच्छे से निकाल लें, ताकि वेज मंचूरियन को बनाते वक्त इनसे पानी ना निकले और जो मंचूरियन बॉल है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बने। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब मंचूरियन बॉल बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बिल्कुल इस तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको जिस भी साइज का बनाना हो आप उस साइज में रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से गोले बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हल्का दबाते हुए इन्हें इसे गोलाई शेप में देना है। इसी तरीके से बाकी सभी को भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को तैयार कर लिया है, फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गैस ऑन कर कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं जिसमें आपको फ्राई करना हो। ऑयल को भी बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनमें तैयार किया हुआ मंचूरियन बॉल एक एक कर ऐड करेंगे। इस समय गैस का फ्लेम धीमा रखें, ताकि मंचूरियन बाहर से और अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अगर आप इसे तेज आंच में फ्राई करेंगे तो ये बाहर से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए गैस का फ्लेम धीमा ही रखकर इसे फ्राई करें। बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहें, ताकि सारे तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। Thank you.
इन्हें भी निकाल कर टिश्यू पेपर में रख लेते हैं। सारे मंचूरियन बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें तोड़कर भी दिखाते हैं। देखिए ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को लगभग 1-2 मिनट तक ही फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। फ्राई हो चुका है, इन्हें निकाल लेते हैं। प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है। प्याज भी फ्राई हो चुका है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इनमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और इनका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार हो चुका है। फ्राई किए हुए ऑयल को मैंने निकाल लिया है और थोड़ा ही ऑयल इसमें रखा है। अब गैस ऑन कर इन्हें अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। अब इनमें बारीक कटे प्याज और लंबाई में कटे हुए गाजर ऐड कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इन सभी को लगभग 2-3 मिनट तक ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। अब इनमें सोया सॉस ऐड करेंगे, साथ ही टमाटर सॉस भी ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इनमें तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लावर का घोल ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ नॉर्मल पानी का यूज कर रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें और इन्हें लगभग 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। अब इनमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, साथ ही लाल मिर्च की पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च की पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इनमें फ्राइड मंचूरियन बॉल्स भी ऐड कर लेंगे। अब इनमें फ्राई किए हुए शिमला मिर्च और फ्राई किए हुए प्याज भी ऐड कर लेंगे। साथ ही विनेगर ऐड कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें लगभग 2-3 मिनट तक और पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर मंचूरियन में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इनमें धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इन्हें भी अच्छे से मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। वेज मंचूरियन गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर अवश्य ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक तो जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। मैं आपके लिए और भी नई नई और स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ।